हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका मेरे नए व्लॉग पे। तो आज का व्लॉग बहुत ही रंगीन होने वाला है। हम लोग चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड जा रही हूँ मैं अपने घर इन लॉज के वहाँ अपने घर। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। गुड़गांव से निकल चुकी हूँ और पहले जाते हैं रेलवे स्टेशन। एक्चुअली मैं जा रही हूँ पूर्णागिरी एक्सप्रेस से। तो पूर्णागिरी एक्सप्रेस से इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है खटीमा बनबसा और वो जाती है टनकपुर तक। तो काफ़ी बार मैं ट्रेवल कर चुकी हूँ पूर्णागिरी एक्सप्रेस में, लेकिन आज मैं ट्रेवल कर रही हूँ अकेले उसी पूर्णागिरी एक्सप्रेस में। वैसे मैं हल्द्वानी जाती हूँ, तो मैं जाती हूँ संपर्क क्रांति में सुबह वाली में, जो 6:30 से 11:30 करीब में पहुँचा देती है। बड़ी सही रहती है वो। पूर्णागिरी थोड़ा यार प्रॉब्लम करती है क्योंकि ये घुमा घुमा के ले जाती है। ये ना जैसे पहले गाड़ी होती थी ना, रेल चली छुक छुक, वही वाली है ये पूर्णागिरी एक्सप्रेस। छुक 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 करके चलती है ये। थोड़ा गुस्सा भी दिलाती है रास्ते में, बट इट्स ओके। चलते हैं घर। और अभी जा रही हूँ मैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। ओल्ड दिल्ली से चलती है और बहुत ज़्यादा जगह रुकते रुकते चलती है यार। थोड़ा परेशान भी करती है क्योंकि जब हम लोग अकेले रहते हैं ना, अकेले सफ़र करते हैं ना, तो हमें सांस की ज़रूरत होती है। और सुबह ये 6:10 पे चलती है, शाम को पहुंचाती है, मुझे बनबसा छोड़ देती है 4:15 पे। आज थोड़ा डिले हो गई थी, तो अभी जैसे हम लोग जाने लगे हैं, अभी पहुंचे नहीं है स्टेशन, बस पहुंचने ही वाले हैं। देखिए रेडिशन वगैरह कितना कुछ आ रहा है रास्ते में यार। कितना प्यारा है अपना गुड़गांव ना, और काफ़ी सारी प्यारी प्यारी सी बिल्डिंग्स। बट जो मज़ा अपने उत्तराखंड में है ना, वो मज़ा मुझे नहीं दिखा अभी तक इधर। कैसा नज़ारा दिख रहा है देखिए। सुबह के हम लोग 5 बजे निकल गए थे। एक्चुअली हम लोग ज़्यादा जल्दी निकल रहे थे, लेकिन क्या हुआ ना, लैंडलॉर्ड चाबी नीचे ही टांग देते हैं मेन गेट की, तो वो की नीचे थी ही नहीं। पता चला कि किसी और, जो कोई और रेंट वाला रहता है, उसके पास थी की। तो फिर उसका दरवाज़ा खटखटाया रात 4:45 बजे, रात ही उन लोगों के लिए, तो क्योंकि वो लोग थोड़ा लेट उठते हैं, रात को लेट ड्यूटी से आते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सपना रेडिशन, कितना बड़ा है ना। यहाँ के रेडिशन गई हूँ मैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत मस्त है। और तो मैं क्या बता रही थी, हाँ, तो फिर उनका दरवाज़ा खटखटाया, फिर उनसे चाबी मांगी, फिर उन्होंने चाबी दी, उसके बाद हमने खोला, फिर आए। और इतने देर तक बेचारा वो हमारा ड्राइवर, कैब ड्राइवर इंतज़ार कर रहे थे भैया। उसके बाद फिर हम चलने लगे वहाँ से, फिर पहुँचने ही वाले हैं बस अब हम रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन का नज़ारा भी बड़ा अलग था वहाँ के। देखो गला अभी भी क्या प्रॉब्लम कर रहा है ना। और ये रहा अपना तिरंगा, कितना खूबसूरत लगता है अपना फ्लैग। और पहुंच गए हम रेलवे स्टेशन ओल्ड दिल्ली। यहाँ पे सब लोग वेटिंग कैसे कर रहे हैं देखो। वेटिंग रूम कुछ अच्छी, इतनी ज़्यादा लोगों के लिए व्यवस्था नहीं है, तो देखो कैसे सोए हैं लोग। मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने आए थे, तो वो प्लेटफॉर्म टिकट ले रहे थे, क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट के बिना ना एक बार पकड़ लिया था, और पता है 250 रुपये ले लिए थे यार उन लोगों ने, क्योंकि फ़ाइन होता है ना। अब उनकी भी क्या गलती, ऐसे तो सबको अलाउ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये हम अंदर चले गए थे और मैं छुप छुप के वीडियो भी बना रही थी, ताकि अब लोग देखते हैं कि वीडियो बना रहे हैं, वो भी इतना सही नहीं लगता है। तो यहाँ ट्रेन ही ट्रेन खड़ी हैं। हमें थोड़ा ऊपर जाना था स्टेयर्स में, ये चढ़ गई हूँ मैं। और छोटा सा अपना लगेज लेके और एक बैग लेके, मेरा जो हैंडबैग है थोड़ा बड़ा, मैं कैरी करती हूँ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और यह है मेरा प्यारा सा लगेज, इसके अंदर भी काफ़ी कुछ आ जाता है। थोड़ा परसों भाभी आई थी, तो उनका भी कुछ सामान था, तो मैंने कहा उसका सामान भी छोड़ाऊँगी घर। और अपने अपने घर तो मैं ना ससुराल ना मायके कुछ भी नहीं लेके जाती हूँ, सब कुछ मेरा वहीं पर रहता है। और ये वेट कर रही है मेरी ट्रेन, मेरा जैसे मैं बैठी तो 10 मिनट बाद चली। एसी कोच में लिया था मैंने, और इतना ठंड लग रहा था मुझे क्योंकि गला पहले से ही ख़राब था मेरा। ये चढ़ चुकी हूँ मैं। और यार जैसे संपर्क क्रांति में खाना मिलता है, मैं भूल ही गई थी कि इसमें नहीं मिलता है।
मेरे ध्यान में था कि यार संपर्क क्रांति में खाना तो मिलता है, ठीक है। अब मैं भूल गई थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, सुबह ध्यान नहीं आया, और इसमें तो खाना मिलता नहीं है। तो रास्ते भर यार मैं खाने का वेट करती रही, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में आ तो जा रहा था ना, लेकिन वही है ना कि खरीद के लेना पड़ रहा था, मतलब बार बार छुट्टा निकालना पड़ रहा था, उसमें इजीली मिल जाता है। और ये है अपना लाल किला, कितना मस्त लग रहा है ना, और देखो नीचे से गाड़ियाँ कैसे चल रही हैं। और सफ़र बहुत अच्छा था पता है, मतलब छुक छुक करके चल तो रही थी ट्रेन, और कभी कभी भाग भी रही थी ट्रेन बहुत तेज़ तेज। अब देखो जैसे अब भागने लगी है ट्रेन बहुत तेज़ तेज, मतलब बीच बीच में वो दिखा भी रही थी कि मेरी स्पीड भी है। और ये देखो कितनी प्यारी सी लेक आ गई है, बहुत ही खूबसूरत सी लेक। और मैं एक्चुअली विंडो पे नहीं बैठी थी, मेरी असाइड की सीट थी, बट जो भैया विंडो पे बैठे थे उन्होंने मुझसे बोला आप बैठना चाहती हैं तो बैठ जाइए। और ये मैं फिर से बोलना चाहती हूँ, जैसे मेट्रो में भी होता है, लेडीज़ अगर सफ़र कर रही हैं और अगर अकेले सफ़र कर रही हैं ना, तो यार बहुत ज़्यादा जेंट्स हेल्प करते हैं। आई अप्रिशिएट, जेंट्स बहुत हेल्प करते हैं, अच्छे होते हैं, मतलब हर कोई आदमी या फिर हर कोई औरत, लोग कहते हैं ना इंसान बहुत बदल चुका है आजकल, इतना भी नहीं बदला है, जवाना वही है। तो अब मैं पैर ऊपर करके बिल्कुल अपनी चप्पल खोल के बैठ गई हूँ, क्योंकि मैं थक गई थी बैठे बैठे और दर्द होने लगा था मेरे पैरों पे। अभी मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ कॉफ़ी पीते हुए। और ये आ गया मेरा नाश्ता, ये नाश्ता मैंने ख़रीदा था, तो इसमें मुझे मिली थी चाय, और मैंने लिया था ब्रेड, ब्रेड के अंदर लगा हुआ था थोड़ा सा बटर, और कटलेट्स, कटलेट्स थे पोटैटो कटलेट्स। कटलेट्स को ना मैंने थोड़ा सा मैश करके इसके अंदर भर लिया था और फिर चाय से खाया था, अच्छा हो रहा था ये, बहुत अच्छा हो रहा था। और उसके साथ चाय, चाय तो मस्त थी यार, पहली वाली चाय मुझे अच्छी लगी, अच्छी मिली मुझे। तो चलते हैं अपने सफ़र पे, देखते रहिए कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट करना। कितना खूबसूरत नज़ारा है ना, देखो सामने से गाड़ियाँ जा रही हैं, इधर से पेड़ पौधे, बहुत अच्छी अच्छी सराउंडिंग, बहुत अच्छी सी हवा आ रही थी। और मेरा गला अभी भी वैसा ही है, ये कोई कॉलेज था बीच में, यहाँ से पैसेंजर ट्रेन्स वगैरह भी चल रही थी। और ये फिर से आ गया, एक प्यारा सा डैम आ गया है, अब देखो कितना मस्त लग रहा है डैम, और काफ़ी बड़ा डैम था पता है, बहुत बड़ा डैम था। और मुझे ना घर जाने की इतनी खुशी थी कि मैं वेट ही नहीं कर पा रही थी, मैं सोच रही थी यार सफ़र कितना लंबा हो गया है, अभी तक नहीं आया घर, अभी तक नहीं आया घर। और डैम के ऊपर जो पुल है, देखो कितना मस्त पुल है। एक पुल अभी रास्ते में हमें और मिला, उसका नाम मैं भूल गई हूँ, पता नहीं क्या पुल था उसका नाम मैं भूल चुकी हूँ, वो भी बहुत अच्छा था। और मैंने पूरे डैम की फ़ोटो ली, पूरे डैम की वो ली। और देखो ये कल्टीवेटेड लैंड है, यहाँ पे कल्टीवेशन होता है, और कितनी सारी सब्जियाँ वगैरह बन लगी हुई थी यहाँ पे। और छुक छुक ट्रेन हमारी रास्ते में हर समय रुकती जा रही थी, और बीच बीच छोटे छोटे स्टेशन्स में रुक रही थी, और स्टेशन से अच्छी अच्छी खाने की खुशबू भी आ रही थी और खाना भी आ रहा था, मतलब मैं खाते पीते आई। और मेरे बाजू में कोई बैठे नहीं थे, क्योंकि ट्रेन इतनी ज़्यादा भरी भी नहीं जा रही थी, अभी भी होली गई है तो फिर मतलब लोगों का आना जाना हो गया था कंप्लीट, तो इतनी ज़्यादा ट्रेन भरी हुई नहीं थी। और देखिए आ गया है अनदर स्टेशन, और यहाँ पे कितने सारे मंकी हैं, और उसके अंदर ना मंकीज़, मतलब मंकीज़ पता है पानी कैसे पी रहे थे, खुद टैप खोल के और टैप खुद ही बंद कर रहे थे, मैंने उसका भी एक क्लिप लिया है आप लोगों के लिए। और ये कहीं हम हैं मुरादाबाद के साइड, नहीं मुरादाबाद नहीं बोलूँगी, हाँ मुरादाबाद साइड ही हैं। और ये देखो ग्रीनरी कितनी प्यारी सी लग रही है, खूबसूरत सी ये ग्रीनरी की ना मैंने सारी फ़ोटो ली, और मतलब लग रहा है मुझे कि मैं अपने उत्तराखंड जा रही हूँ, काफ़ी टाइम से नहीं गई। इस बार तो बहुत लंबा गैप हो गया था मेरा नहीं जाना, तो हस्बैंड को निकलना था बाहर, तब मैंने कहा मैं तब तक घर होके आ जाती हूँ यार, भीमताल भी चले जाऊँगी और बनबसा भी चली जाऊँगी, निपटा आती हूँ, फिर पता नहीं कब टाइम मिलेगा, ऑफिस में ना आजकल बिजीनेस हो जाती है थोड़ा बहुत इसलिए। और फिर से आ गए ये पेड़ पौधे प्यारे से, और इतनी खूबसूरत सी हवा चल रही थी,
और अंदर ना यार एसी चल रहा था, एसी की हवा से मेरा सर दर्द करता है। हस्बैंड ने बोला था मुझे कि कंबल ले जाओ अगर तुम्हें थोड़ा फिवरिश फील हो रहा है तो, बट नहीं, इतना भी नहीं था। मैंने सोचा मैं मैनेज कर लूँगी। फिर थोड़ी देर बाद धूप आ गई थी, देखो अभी धूप खिल गई है। करीब बज रहे थे 11, 11 करीब बज गया था। और ये देखो कितना साफ सुथरा स्टेशन है ना। और मैं कल को आप लोगों को शेयर करूँगी अपनी अपने ससुराल की सराउंडिंग, यहाँ की फोटोग्राफ्स मैं कल को शेयर करूँगी, क्योंकि आज अभी अभी मैं पहुँची हूँ, अभी मुझे लाइव भी देना है। और ये देखो खाना हर जगह था, हर जगह खाना था। और बहुत बीच में ना बहुत ज़्यादा गैप के बाद खाना मिला, उसके बाद मैं फिर समझ गई थी अरे यार ये तो पक्का इज्जत नगर है, इज्जत नगर में बहुत अच्छा खाना मिलता है। मेरा ना ज़्यादा ध्यान खाने में ही होता है जब हम लोग ट्रेवल की बात करते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि यार मैं अच्छा अच्छा खा लूँ रास्ते में, खाते पीते जाऊँगी। और ये देखो फिर से आ गई है ग्रीनरी, कितनी खूबसूरत सी। और कल्टीवेशन तो इतना ज़्यादा था, इतने ज़्यादा लोगों ने पेड़ पौधे लगा रखे थे। और ये जो बुशेस हैं ये सब कुछ, ये भी अच्छा लग रहा था। और वो देखो, अब मैं बोल रही थी ना कि मंकी पानी पी रहा था, वो देखो मंकी कैसे ऊपर बैठा है, उस पे देखे रहना, अभी वो नीचे उतरेगा, टैब चालू करेगा, पानी पिएगा, फिर निकल लेगा। बहुत समझदार मंकी हैं। और काफ़ी सारे मंकी थे इधर। और पता है जैसे लोग डरते हैं ना मंकी से, जैसे बंदरों से हम लोग डर के भागते हैं, कोई मतलब नहीं लोगों को। वो देखो कैसे पानी पीने लगा, लोग इजीली जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं, और ना ही बंदर उनको कुछ कर रहे हैं। और ये निकली बंदरों की फौज पीछे से, और एक आगे से माँ जा रही है, पीछे से उसका पूरा बच्चों का ढेर, ये चालू हो गए, एक एक करके आ रहे हैं। और बिल्कुल चिड़विड़ वाले बंदर नहीं थे, जैसे हमारे भीमताल में होते हैं यार, बहुत ही बिल्कुल काट खाने वाले बंदर, वैसे नहीं थे। ये कोई पुल था, इस पुल का नाम मैं भूल गई, मुझे किसी ने बताया था। और सामने से हैं काफ़ी सारे मंदिर, छोटे छोटे। मुझे उत्तराखंड का ये बहुत अच्छा लगता है, छोटे छोटे मंदिर हर जगह होते हैं वहाँ पे। और आप लोग बताना कि कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ना पक्का बताना कि कैसा लगा मेरा ट्रेवल आप लोगों को। मैं फ़ोन से ही शूट कर रही थी, और मैं आज लैपटॉप लेके भी नहीं गई हूँ, बहुत भारी हो जाता है बैग, क्योंकि मैं 3-4 दिन के लिए ही गई हूँ। मुश्किल से ज़्यादा मैं 1 हफ्ता यहाँ पे रुकूँगी, उससे ज़्यादा नहीं रुक पाऊँगी। और अब ट्रेन कितना धीमे चलने लगी है, देखो ऐसी चल रही थी, बीच बीच में भाग रही थी, एहसास दिला रही थी कि मैं ट्रेन हूँ, और धीरे धीरे फिर छुक 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 हो जा रही थी। अब ये कोई पुल आ गया है, राम गंगा ब्रिज। अब इसके यहाँ पे राम गंगा ब्रिज ख़त्म हो चुका है, और ये चालू हो गया है फिर से कल्टीवेटिव लैंड। और यहाँ पे लोगों की बस साग सब्जी सब कुछ बो रखी है, छोटे छोटे करके क्यारियाँ बना रखी है, जैसे हम लोग बनाते हैं अपने घर में, थोड़ी सी छोटी सी धनिया की क्यारी, छोटी सी मेथी की क्यारी, ऐसी करके क्यारियाँ थी यहाँ पे। और कितना खूबसूरत लग रहा है देखिए। मुझे इसी तरीके से सफ़र करो बाहर देखते हुए, अगर विंडो मिल जाए तो बिल्कुल ठीक लगता है। और यहाँ पे भी बस इज्जत नगर के बाद तो बिल्कुल बंदर ही बंदर थे। और मैंने बीच में और खाया था, नूडल्स खाए थे और बिरयानी खाई थी, उसकी क्लिप पता नहीं कहाँ चले गई यार। और ये रही मेरी शाम की चाय, मतलब 3 बजे मैंने चाय पी थी, जो मन कर रहा था मुझे, वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ, बट मुझे मन किया कि मैं रास्ते में पी लूँ, फिर मैंने पी ली चाय, 2 चाय पी है मैंने आज। और ये है साफ सुथरा इज्जत नगर, बहुत ही खूबसूरत सा इज्जत नगर। और बरेली सिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। और ये है प्यारा सा मस्जिद, मस्जिद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और उस समय अजान भी हो रही थी। और देखो अब फिर से कितनी धीमी हो गई है यार इसकी रफ्तार। और ये ट्रेन इतना घुमाती है ना, पहले ओल्ड दिल्ली से जाती है बरेली, फिर बरेली, अब बीच बीच में जितने भी स्टेशन होते हैं छोटे मोटे रुकते हुए जाती है,
फिर बरेली से आती है टनकपुर को। अब उसमें भी छोटे छोटे स्टेशन में रुक के आती, भले कोई मतलब कोई कराई नहीं रहेगा टिकट, फिर भी यार रुकते रुकते आती, क्योंकि जहाँ और जहाँ पे ना बिल्कुल उतरने की जगह नहीं है वहाँ पे भी रुक जाती है भाई। ये ट्रेन तो महान है। अब देखो रफ्तार इसकी, अब फिर से दौड़ पड़ी और देखो कितना प्यारी जगह। और मुझे एक चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी लगी, हमारे मतलब जैसे मैं बचपन से भीमताल रही हूँ तो भीमताल की ही मैं ज़्यादा बात करती हूँ, भीमताल की तरह एक घर और आगे से पूरा खेत ही खेत उन लोगों का। और ये पता है, ये अब आ गया है मेरा एरिया, ये है खटीमा। और खटीमा में थे मिट्टी के घर, मिट्टी से लीपे हुए घर। शायद आप लोगों को अपने बचपन की याद आ गई होगी, या फिर कभी आप लोगों ने अपने नाना नाना दादा लोगों से सुना होगा कि मिट्टी से पुताई की जाती थी घर में, काउडंक और मड को मिला के उसका घोल बना के उससे पुताई की जाती थी घर में, वो शुद्ध माना जाता था। अब ऐसा कुछ है नहीं और इतने सारे लोगों के कितने लंबे लंबे खेत हैं देखो। बस मैं इन घरों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब आ गया था मेरा स्टेशन उतरने का टाइम, और मुझे उतरते समय ना एक भैया मिल गए, उन्होंने मेरा बैग भी उतार दिया, उन्होंने मेरा बैग बिल्कुल रोड तक भी ला दिया, बहुत ज़्यादा हेल्प की, एक हेल्प भी हो गई और मेरा बहुत ज़्यादा सहारा भी कर दिया है उन्होंने। उसके बाद मैं रिक्शा लेके थोड़ी सी मिठाइयाँ लेके घर आ गई। और देखिए जाने लगी मेरी ट्रेन मुझे छोड़ के। अब जाते समय मैं जाऊंगी हल्द्वानी से संपर्क क्रांति से, या फिर शाम वाली से शताब्दी से, उसको मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, और प्रे कीजिए मेरे लिए और आप सबके लिए। मैं प्रे करती हूँ कि आप लोगों का सफ़र ज़िंदगी का बहुत अच्छा से अच्छे से कटते रहे और आप लोग खुश रहें अपने जीवन में। ये आ गई मैं टुक टुक में, टुक टुक मतलब रिक्शा होता है, और ये है मेरा ससुराल और मैं उतर चुकी हूँ, ये है हम लोगों की रोड। और अब फाइनली मैं हो गई हूँ नहा धो के तैयार और पहुँच गई हूँ अपने घर। ये है शाम का नज़ारा, देखिए हमारी मम्मा ने कितनी खूबसूरत सी बगिया बना के रखी है, फ्लावर्स लगा रखे हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। सो गाइज प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, कुछ रेसिपीज लेकर आऊँगी और कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आऊँगी। बने रहिए मेरे साथ।